नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं युवा कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। भूरिया ने भाजपा नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। भूरिया ने कहा कि धर्म खतरे में नहीं है, ये भाजपा वाले खतरे में हैं। इसके बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने लोगों से कहा कि आपने मोदी के सड़क पर वो पोस्टर देखे ही होंगे, इसमें 10 चेहरे इधर और 10 चेहरे उधर हैं। अभी दशहरा आने वाला है, दशहरे पर हम रावण का दहन करते हैं, तो इस बार आप रावण दहन के साथ भाजपा का भी दहन कर देना। भूरिया ने कहा कि धर्म खतरे में नहीं है, ये भाजपा वाले खतरे में हैं। हम सभी सनातन धर्म से हैं, 5000 साल से कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो इनके बोलने से क्या उखड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ जनता में आक्रोश है, आने वाले चुनाव में जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। विक्रांत भूरिया ने उज्जैन महाकाल लोके घोटाले से लेकर अन्य घोटाले तक गिनाए। इसके साथ ही 50% कमीशन के गंभीर आरोप भी भाजपा सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को गुमराह करने के लिए नित्य नई घोषणाएं कर रहे हैं। लाडली बहन योजना भी इसी का एक उदाहरण है। भूरिया ने लाडली बहन योजना के कार्यक्रमों के नाम पर भाजपा द्वारा फिजूल खर्ची किए जाने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।